जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, कल मेरा ख्याल आप उसको मजीद हमें एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। एपीआई को वो काफ़ी ज़्यादा उस पर हमने मगजमारी कल कर ली है। साल दिन में सी है, बल्कि चलो पढ़ी रहने दे, खैर काम आ ही जाए। इधर बूट स्ट्रैप भी लगा लेते हैं सुबह सुबह। टेलविंड और मटेरियल यूज भी अपने तौर पे करते रहे काम, क्योंकि वो अब उस पे काम करवा नहीं सकते और लेंथी हो जाएगा काम। टेलविंड अब नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट के साथ ज्यादा चलती है। कल शायद आपने ग्रुप में ऐड भी देखा हो, एक मेरा ऐड चल रहा है नेक्स्ट जीएस का, वो लेटेस्ट ट्रेंड का। ग्रुप में मैसेज नहीं आया आपको? तो इसको यार वो आया होगा कि लेटेस्ट ट्रेंड पे। नई नई चीज़ें आती हैं, मतलब पहले वेब 3.0 थी लास्ट टाइम, मेटावर्स इस दफ़ा रिएक्ट, तो नेक्स्ट जी एस भी टेलीविंड और टाइप की वर्कशॉप टाइप होती है। लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ रही है, तो इस पर काम स्टार्ट करते हैं। उस पर टेलीविंड भी अपने तौर पे काम स्टार्ट कर सकते हैं आप। थोड़ा बहुत चले कोई प्रॉब्लम हुआ मैं गाइड कर दूंगा, क्योंकि टेलीविंड को बढ़ाने के लिए भी कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। बूटस्ट्रैप तो आपने पढ़ ही ली होनी है ना, तो इसलिए बूटस्ट्रैप अगर इसी से आप वही करवा देते हैं तो काम आपका चलता रहेगा। टेलविंड को इंटीग्रेट करवाना, फिर आपको टैग समझाना, वो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा उसको। तो सीखना जरूरी नहीं है, अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट कह रहे कि जनाब लगानी टेलविंड है, फिर क्या करेंगे? उसमें फर्क वो ऑटोमेटिक ही सारी चीजें रिस्पॉन्सिव करती है इसमें हमें। हाँ, टेलविंड फास्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इन लाइन लिखी जाती है, लाइन के अंदर ही जैसे बूटस्ट्रैप लिखी जाती है ना, इधर ये कि वो कोड के अंदर ही पूरी की पूरी फ्रंट एंड पूरी कंप्लीट हो जाती है इन लाइन के अंदर, चाहे आप कार्ड बनाए, चाहे टेबल बनाए, चाहे जो मर्जी करें। इधर वैसे लग गया है, इसलिए चेक कर लें। क्लास नेम, क्लास नेम टेक्स्ट पाइथन प्राइमरी का है। अच्छा जी, यहाँ पे कंपोनेंट का फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं कंपोनेंट्स, ताकि वो जितनी फाइलें बनेंगी वो एक के अंदर ही, इधर फिर हम इंपोर्ट करते रहेंगे। इधर बना लेते हैं फेच api.js लें, इसको यहाँ पे कर दें h1 एंड लो फेच api। कंट्रोल एस, इसको कर दें यहाँ पे कॉल फैच एपीआई। चलें इसको उड़ा दें बेशक। ठीक है, ले जी वो रेंडर हो गया। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। देखें आप, बिफोर वी डाइव इनटू प्रॉपर एपीआई कॉन्सेप्ट, आपको सबसे पहले यूज इफेक्ट का पता होना चाहिए। यूज इफेक्ट क्या करता है? यूज इफेक्ट एक हुक है। हाँ जी, वैसे क्या करता है जिसमें पुराने हैं जो स्टूडेंट? आप एक में आप बताएं, वैसे रहा हमें कभी आप क्लास में नहीं आएंगे। फैच यूज इफेक्ट का क्या फर्क है, क्या फायदा है? वो तो ना भी अगर फर्ज करें यूज इफेक्ट लगाएं तो वैसे भी एपीआई फेच हो जाएंगे। नहीं, यूज इफेक्ट का और काम है। अच्छा, ये जेन से निकाल दे कि अगर आप कहें कि यूज इफेक्ट ही फेच एपीआई लेके आता है तो ये कंसेप्ट गलत है, और मैं बटन के क्लिक पे भी एपीआई लोड करवा सकता हूँ, आप करके देख लें। चलो वो फंक्शन ही कॉल करना है ना जिसके अंदर एपीआई है, तो उसके लिए यूज इफेक्ट का लगाना तो जरूरी नहीं, उसका कोई और पर्पज है।
हाँ जी आप सर वो डेटा पेज पेज रेंडरिंग में जो भी मतलब इफेक्ट करवाना हो, जो भी काम करवाना हो, वो इसलिए इसलिए यूज करते हैं उस पे। चलें कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिर भी नहीं है आपका, ठीक है कुछ 70% इसको ओके माना जा सकता है। हाँ जी आप बताएं जी एंड पे। हाँ प्रोग्रेसिव ये है असल काम, देखें आप कह रहे हैं डेटा वो रेंडर करवाता है, असल इसका काम होता है कि एक दफा जब पेज लोड होता है ना तो इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखी होती है वो लोड हो जाती है। इट डजेंट मैटर कि उसके अंदर एपीआई का फंक्शन लिखा हुआ है, चाहे आपने यूज स्टेट लिखी हो, चाहे अलर्ट लगाया हो, चाहे आपने कोई अक्सर देखा वेबसाइट जब लोड होती है तो वो सब्सक्रिप्शन का फॉर्म आ जाता है, वो लोग इसी तरह करते हैं, वो फैच एपीआई के अंदर एक कंपोनेंट बनाते हैं फॉर्म का, उसे फैच एपीआई में डाल देते हैं, जैसे ही पेज लोड होगा उसके अंदर जो भी होगा वो कॉल हो जाएगा और हमें अलर्ट नज़र आ जाता है, लेकिन आप पहले आप सब्सक्राइब करें, वो फैच एपीआई में ही यूज इफेक्ट में ही लगता है। अच्छा जी अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे, जब आप लाइफ में इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, चाहे मर्न के बैकएंड हैं, चाहे फुल स्टैक हैं, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट में क्या फर्क है, ये आपसे सवाल उन्होंने पूछना ही पूछना है, मतलब ये जो मैं कह देता हूँ ना कि ये उन्होंने पूछना है तो इट मीन्स आप इसको जरा ध्यान से सुना करें, ये उन्होंने वाकई पूछना है, और अनटिल अनलेस के आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के डेवलपर बनते जाएं, अगर आप रिएक्ट के साथ फ्रंट एंड में जा रहे हैं तो आपसे उन्होंने ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि वो ये क्वेश्चन ना पूछे आपसे, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट में क्या फर्क है। हाँ जी तो क्या है फर्क, यूज स्टेट भी पढ़ाया है आपको, यूज इफेक्ट आज पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन इसकी बता दी है आपको। हाँ जी हाँ होता है इसमें जी, इसमें भी डाटा ही ऐड कर रहे हैं। जो भी है रिलीज हो जाएगी ना। हाँ जी बहुत साहब। जो अच्छा ठीक कह रहे हैं, बस थोड़ा सा लफ्जों को आगे पीछे कर दिया आपने, देखें जो यूज इफेक्ट है ना आपको उसे कॉल करना नहीं पड़ता, जैसे ही पेज लोड होता है उसके अंदर जो भी चीज लिखी है वो एक दफा चल जाए, टेंशन नहीं करता उसका, तो ये काम सबसे पहला था। जबकि जो यूज स्टेट है ना वो आज खुद पेज को लोड नहीं करता, ना ही डाटा लोड करता है, आपको जब भी पेज को रेंडर करवाना पड़ता है तो आपको यूज स्टेट को कॉल करना पड़ता है, चाहे बटन पे क्लिक करके करें, चाहे फंक्शनैलिटी लिखें, वो आज खुद कॉल नहीं होता, यूज इफेक्ट को आप कोई करें ना करें जैसे ही पेज लोड होगा ये कॉल हो जाएगा, और वंस कॉल होगा, एक दफा कॉल होगा। और दूसरा इसमें ये फर्क है कि आप उसको जितनी दफा मर्जी कॉल करवा रहे हैं क्लिक पे, इसको क्लिक कॉल करवाने के लिए इसके अलग प्रोसीजर है, उसका तो सोचने हर दफा पेज रीपेंट कर दे उसे, यानी ये समय ले रेंडर करवाना पड़ता है जबरदस्ती, ये आज खुद एक दफा खुद ही रेंडर हो जाता है पेज के लोड होने पे। चलें जी इतनी काफी है, तो यूज इफेक्ट एक हुक की तरह काम करता है, आप यूज इफेक्ट लें इसको ऊपर इम्पोर्ट भी करना है जैसे आप यूज स्टेट को करते हैं, तो हमें यूज स्टेट भी बाद में चाहिए वो भी अभी ले लेते हैं, टाइम बच जाएगा। ये लें यहाँ पे, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है आपसे, इस तरह का कुछ इसका सिंटैक्स होता है। अच्छा यहाँ पे एक डिपेंडेंसी पास होती है, वो फिलहाल के लिए अभी मैं नहीं देख रहा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट के अंदर INC सेट INC यूज स्टेट, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू दे दें 0, यहाँ पे शो करवा दें वैल्यू आप H1 के अंदर INC, और यहाँ पे आप लगा दें अलर्ट वैल्यू इज ये INC लें, यहाँ पे बटन की क्लिक पे आप क्या करें उसकी वैल्यू भी कॉल करते हैं,
या इधर ही सेट कर दें, वैसे इधर सेट कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। क्लिक में इंक्रीमेंट ऑन क्लिक पे आप एरो विद इन लाइन ही फंक्शन, छोटा सा फंक्शन है, सेट इंक्रीमेंट आई एन सी प्लस वन चलें, और यहाँ पे वैल्यू दिखा। ओके इधर आ जाए, इंक्रीमेंट कॉल हो गया, इंक्रीमेंट कॉल हो गया, एक दफा कॉल हो रहा है उसमें नहीं आ रही, अच्छा ठीक है वो हमने फंक्शन उसका बनाया। बहरहाल आप इसको देखें ये कर क्या रहा है, हर दफा पेज लोड कर रहा है ये देख। अच्छा जब तक आपका पेज लोड हो रहा है ना, यहाँ पे अलर्ट में हेलो ही लिख लें, वैसे अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं अलर्ट ना करके मैं कह दूं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल कर दूं, और यहाँ पे कह दूं डॉलर साइन आई एन सी डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज नॉट डिफाइंड, क्या हो गया इसको अलर्ट खाली करवा, इसको बाद में सेट कर रहे हैं। अच्छा ये देखें एक दफा पेज लोड हुआ, अब मैं क्लिक करूंगा ना तो पेज रीलोड हो जाएगा दोबारा, फिर मैं क्लिक करता हूं तो देखें ये इंक्रीमेंट हो रहा है, एक दफा लोड हो रहा है और इंक्रीमेंट हो रहा है, लोड हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, लोड हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। देखें पेज टाइम एंड अगेन रीलोड हो रहा है, फिर तो फायदा ही कोई ना हुआ, ये तो फायदा ही कोई ना हुआ। मैं तो चाहता था कि डाटा आप देखें जैसे ही आपका एक दफा पेज लोड होता है, डाटा आपने एक दफा ही लोड करवाना होता है, मल्टीपल टाइम आप नहीं करवाते यहाँ पे डाटा। देखें जब भी आप किसी पेज पे जाते हैं ये मैंने क्लिक की अनस्टिच पे, तो इसके पेज के अंदर जो डाटा है ना ये देखें खुद ही रेंडर हो गया, एक दफा पेज लोड हुआ तो डाटा खुद आ गया आपका। हमने भी यही काम करना होता है, हमने डाटा एक दफा लोड करवाना है, लेकिन ये कुछ हमारी टेक्निकल वजूहत की वजह से या फंक्शनैलिटी कंप्लीट ना होने की वजह से वो पेज को बार बार लोड कर रहा है, जैसे ही पेज के अंदर कोई चेंज आती है वो देखें वो एक दफा उसको लोड कर देता है ये देखें। अब इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे एक डिपेंडेंसी पास की जाती है यहाँ पे ये वाली, अब वो एक दफा ही अलर्ट होगा, अब पेज दोबारा लोड नहीं होगा, उसने एक दफा लोड कर दिया ये पे अब नहीं लोड होगा। शायद आपने ये डिपेंडेंसी का फर्क कभी देखा हो या गौर किया हो, या आपको सर ने करवाया होना, इसका ये मतलब होता है कि आपने पेज को दोबारा बार बार लोड करने से रोकना है, तब ये डिपेंडेंसी पास करनी है। अगर आप चाहते हैं कि जब इंक्रीमेंट चेंज हो तो ये पेज लोड हो, उस वेरिएबल को आप इधर भी पास कर सकते हैं यहाँ पे भी, अब जब जब इसकी वैल्यू चेंज होगी ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये अक्सर शॉपिंग कार्ड के अंदर ऐसी चीजें लगाई जाती हैं ये देख, और जब उसकी फंक्शनैलिटी कॉल होगी उसकी वजह है इसको चले कुछ इसके चेंज होने पर होगा, इसके चेंज होने पर इसके अंदर जो मर्जी आप रखते रहो, कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ यहाँ पे एक्स लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू वेयर कर लें, वेयर तो वैसे ही पुराना हो गया, चले लेट कर ले पांच, और यहाँ पे कर लें एक्स प्लस प्लस या प्लस प्लस कर ले, पहले ही जमा हो जाए ये
इसको आ जाए आप यहाँ पे। सर ये ब्राउजर का मसला है ना, ये मैं तंग करेगा इधर आ। कंसोल में चले जाए, ये एक दफा हो गया। अब देखिए इसको चेंज होता भी रहे ना, इसकी मैं अगर कल को एक स्टेटमेंट और बना दूं यहाँ पे एक्स और सेट एक्स कर दूं, और यहाँ पे कर दूं इनिशियल 5 कर दूं, और यहाँ पे फंक्शन एक और बना दूं उसका बटन का सेट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको कर दें इंक्रीमेंट इन एक्स। हेलो जी सर, बस सुबह 10 तो शाम 8 बजे तक। और लेकिन आना की दुआ भी तो दसो ना मैंने। चलो केस टाइम मैं दस दिया जाने निकल तो पहले दस दिया। ओके ओके, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू करवा लेते हैं प्रिंट। इधर एक्स को हम ये वाला वैसे इग्नोर कर दें, एक्स करवा दें यहाँ पे। अब एक्स की वैल्यू चेंज भी होती रहे ना, ये तो अलर्ट आ गया, ये एक दफा अलर्ट आ गया। अब वो इसकी वैल्यू पता नहीं हम चेंज कहाँ, एक दफा चेंज हो गई। देख इसके चेंज होने पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसके चेंज होने पे फर्क पड़ रहा है। अब अगर आप इसको भी इंक्रीमेंट को इधर कर देंगे ना एक्स में, अब वो चेंज होगी तो फंक्शन लोड होगा। ये जितनी आपके सामने दो रख दिया, अरे ये है रे के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखें फिर एक रे रख दें, सारा दिन इसको फुल करते रहें, मतलब ये कोई पाबंदी नहीं है। रे के अंदर तो जितना मर्जी डाटा रखते हैं, इसका काफी ज्यादा रोल होता है। इसका रोल सबसे बड़ा होता है जब आप शॉपिंग कार्ड बनाते हैं ना, तो आप देखें जब आप चीजें शॉपिंग कार्ड में ऐड करते हैं, अब इसको ऐड करें, इसको करें, इसको करें, ये देखें पेज लोड हुआ। अब जब मैं दोबारा कोई चीज क्वांटिटी अपलोड करूंगा ना, इधर एक मिनट इसको आ जाने दे, इन्होंने इसको इधर नहीं किया। यहाँ पे जब इसकी क्वांटिटी अपडेट होगी ना, तो ये पेज रीपेंट हो जाएगा, ये वाला उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। फिर ये जो चेंज होने वाली इसकी क्वांटिटी है ना, इसको हम डिपेंडेंसी में पास कर देते हैं कि जब पेज लोड हो तो एक दफा वो पूरे का पूरा रिफ्रेश हो, क्योंकि बाकी तो हमें गर्ज नहीं। हम चाहते हैं कि सिर्फ उसकी क्वांटिटी बढ़े, तो क्वांटिटी को हम उधर डाल देते हैं, या उसकी जो भी प्राइस है वो चीज, जो चीज़ आप रन टाइम पे बदलना चाह रहे हैं, बाकी पूरे पेज का कुछ ना हो, सिर्फ वही वैल्यू बदले, वो आप डिपेंडेंसी में पास कर देते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, इसको लिहाजा इधर ही रखते हैं। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाते हैं, इसको खाली आउट कर देते हैं, ये भी उठा देते हैं, तो कमेंट ही कर दें, नीचे रख देते हैं, कहीं आपके काम आ जाएगा। अच्छा जी, आप जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने आपको कहा था कि जब पेज लोड होगा, इसने एक दफा लोड होना है, तो ये भी शर्त पूरी होगी आपकी। यहाँ पे अगर आप इसके अंदर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हेलो, अब जैसे ही एक दफा पेज लोड होगा, उसके अंदर जो भी डाटा लिखा होगा वो रीपेंट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, सर कुछ तो उड़ा नहीं दिया हमने। ये लो इसको एक दफा इधर आए, ये देख एक दफा पेज जैसे ही लोड होगा ना, ये कॉल हो जाता है। अरे स्टूडेंट अक्सर ये जीबो गरीब से सवाल पूछ लेते हैं, शायद आपके मन में भी ऐसी ख्वाहिशा पैदा हो रही हो, ये दो दफ़ा क्यों आता है, ये ब्राउज़र की गलती होती है। मैं उसका एक ही जवाब देता हूँ, आप लाइन को देखा करें, ये देखें 6 और 6। और एक और भी टेक्निकल वजूहत होती है, अगर यूज़ इफेक्ट में पूछें, शायद आपको टीचर इस तरह भी बता दें,
अब उसपे बहरहाल मैं तो कोई ऑथेंटिक नहीं हूँ, अपने एक्सपीरियंस में मैंने कोई ऐसी चीज ना सुनी है ना स्टडी की है। एक कहते हैं कि जो प्रिंट होता है वो कंसोल की वजह से होता है, और दूसरा प्रिंट इज डिपेंडेंसी की वजह से होता है। ये एक इलॉजिकल मंतव्य पेश करते हैं। अगर ये ऐसा हो रहा हो तो एक ही लाइन में क्यों आ रहा है कि लाइन नहीं क्रिएट करे या किसी और स्टेट में करे। और पहली बात ये कि खाली यूज इफेक्ट में ये वाला काम नहीं हो रहा है, या अगर आप वैसे भी कंसोल कई फंक्शन में दिखाएंगे ना तो वो दो दो दफ़ा कई दफ़ा आता है, वो ब्राउजर की गलती होती है। बहरहाल टीचर का अपना मतलब रिसर्च है, मेरा तो यही मानना है क्योंकि यूज इफेक्ट की डेफिनेशन ही ये है कि उसने एक दफ़ा कॉल होना। अब वो एक दफ़ा कॉल होगा तो वो दो दफ़ा वैल्यू प्रिंट कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इसका मैंने रोल भी आपको समझा दिया, इसने तब एक्टिवेट होना है जब इसके अंदर दी गई वैल्यू चेंज हो जाए, तब फंक्शन रिकॉल हो जाएगा। अभी तो वो वैसे खाली है तो उसने तो एक दफ़ा वैसे ही लोड होना ही होना है। तो ये दो दफ़ा लाइन की जो लॉजिक है ना, अगर को आपको ऐसे देता है तो मेरे ख्याल में तो वही लॉजिकल सी चीज़ है। बहरहाल फिर भी मैंने आपको बता दिया, ऐसे वास्तव से आपके जहन में कोई भी डाल सकता है, आपको छोटी मोटी चीज़ों का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। नहीं जी, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं फैच एपीआई का। उसके लिए हमको पहले एपीआई, कल काफ़ी डेफिनेशन हमने देखी डिटेल में, उसके लिए हमको ना फेक एपीआई ले लेते हैं। फेक एपीआई आपको नेट से मिल जाती है बेताचा, ये देखें ये एक फेक एपीआई पड़ी है, ये डाटा पड़ा, ये देखें ये आपने स्टडी भी किया हुआ है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपने लोकल पे किया था। कल हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक यूआरएल पे पड़ा होता है डाटा, जो डाटा किसी ना किसी डेटाबेस से आ रहा हो। अभी चूंकि फेक है तो शायद ये यूआरएल पे पड़ा हो, लेकिन जब आपका रियल डेटाबेस होगी ना तो इसमें कल को कोई फर्क नहीं आएगा। बैकएंड भी चूंकि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको उस वक्त याद भी कराऊंगा कि हमने फेक एपीआई पढ़ी थी, किसकी जगह पे जस्ट आपका ये वाला एड्रेस बदल जाएगा, बस यहाँ पे आ जाएगा लोकल होस्ट आपके बैकएंड का पार्ट 5000 रखना है या 4000 रखना है, बाकी प्रोसीजर जो आप आज पढ़ लेंगे वही रहेगा। कल को आप रियल फेक को बदल के रियल लगा देंगे और रियल से आपका डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा, और चूंकि रियल से आ रहा है तो रियल का डाटा किसी ना किसी डेटाबेस में पड़ा हो तो वो रियल डेटाबेस से आएगा। अगर आप ये वाला स्टेप सीख लेते हैं तो ये वाला स्टेप आपका ऑटोमेटिक आज ही कवर हो जाएगा। कल को हम जस्ट बैकएंड की एपीआई बनाएंगे और इसकी जगह पाथ बदलेंगे, बाकी मैं आपको ही कहूंगा कि यार डाटा फेच करके घर से लेके आओ, क्योंकि मैं आज आपको पढ़ा दूंगा। उसको फेच करने का प्रोसीजर नहीं बदलेगा, सिर्फ पाथ बदलेगा। लें जी, इस पाथ पे मेरा ये वाला डाटा पड़ा है, इसको फिलहाल कमेंट ही रहने देते हैं। एक मैं फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स, ये एरो फंक्शन ही बना ले, ये ले। और इसके अंदर आपको मेथड मिलता है फैच का, तीन तरीके हैं जी एपीआई को फैच करने के। इधर ही लिख देते हैं डॉट देन, उसको कहते हैं प्रोमिसेस, प्रोमिसेस ये आपका आता है, देन चेनिंग, या इसको कह सकते हैं फैच मेथड। सेकंड आपका होता है एसिंक अवेट, तीसरा होता है आपका एक्सियस। तीनों ही हम वन बाय वन देख लेते हैं, पहले सिंपल है फिर एंड पे मैं आपको तीनों में डिफरेंस भी बता दूंगा कि तीनों में क्या क्या फायदे हैं क्या नुकसान आता है। ये देखें इस यूआरएल से आप डाटा गेट कर रहे हैं, दो तरीके हैं, आप या तो यूआरएल ही डायरेक्ट पास कर दें, ये देखिए यहाँ पे, अगर आप चाहते नहीं यार यहाँ पे फंक्शन नीट क्लीन रखना है तो कोई बात नहीं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, यूआरएल प्रोडक्ट अंडरस्कोर यूआरएल, इसको इधर पास कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ने काम सेम ही करना है। ये था वो वाला काम कर लें, वो वाला कर लें, इस पे कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए आपको दोनों बता दिए, आप इससे भी डाटा गेट करके देख लें, इससे भी कर लें, डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बेहतर होता है कि अगर आपने सेपरेट फंक्शन ही ना बनाना, वो इसको फिर इधर ही पास करते हैं यहाँ पे, मैं अभी आपको समझाऊंगा क्यों पास करते हैं। ये देखिए इसके बाद इसको मिलता है डॉट देन का, यहाँ पे ना आपको मिलते हैं क्या मिलता है, टेक्स्ट मिलता है प्रोमिसेस की फॉर्म।
आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम, मिसाल के तौर पे कोई एबीसी दे रहे हैं जी नाम, चलें ये कह रहा फंक्शन लेगा, ये एबीसी को आपको जेसन में कन्वर्ट करके देगा। ये जो आपका डाटा आ रहा है ना, ये प्रोमिसिस में अभी मिल रहा है आपको, इसको आप कह दें आर ई एस रिजल्ट जो आ रहा है आपका, इसको आर ई एस रिजल्ट कह दें। ये आपको अभी प्रोमिसिस मिले हैं, प्रोमिसिस को मैंने जेसन में कन्वर्ट किया, आपका प्रोमिस अभी पूरा नहीं हुआ। इधर आके आप देखें तो आपको मैसेज में भी पता चलेगा, आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को ना किया करें डायग्नोज। इसमें अभी कॉल नहीं किया फंक्शन को, आपको पता है यूज फैक्टर ने एक दफा कॉल होना है, तो मैं फंक्शन को इधर कॉल कर लेता हूँ, वो फंक्शन ऑटोमेटिक एक दफा कॉल हो जाएगा। ये लें कंसोल डॉट लॉग भी नहीं करवाया, इसको इसको करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ये लें तो क्या कह रहा है, अच्छा अभी डाटा नहीं ना आया, ठीक है हम डायरेक्टली करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो डाटा आया है ना, इस डाटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये कोई फिक्स वर्ड नहीं है यहाँ पे कि आप डाटा ही लिखेंगे तो डाटा आएगा। हाँ एक्सेस के अंदर ये फर्क होता है, वो मैं आपको वहां पे जाके बता दूंगा, लेकिन आपको नाम ऐसा रखें जो लॉजिकल हो। यहाँ पे जाके अगर मैं कंसोल डॉट लॉग पे डाटा को देखूं, ये देखें डाटा आ गया, ये कौन सा डाटा कह रहा है नॉट डिफाइंड, अच्छा ये देख, ये सेम सारी जो आपकी है ना अरे ऑफ ऑब्जेक्ट पूरी बन गई है, देख ये सेम सारा डाटा आ। ये थोड़ा सा ना इसमें इस फंक्शन में पहली कबाहत ये है कि इसमें एक तो डॉट देन डॉट देन, देखें पहले आपको प्रोमिसिस आए, प्रोमिसिस को आपने जेसन में कन्वर्ट किया, फिर जो डाटा आया उसको कंसोल के हवाले किया। अब यहाँ से अगर आपने डाटा गेट करना है तो आप एक स्टेट भी बना लें, अगर यूआई पे शो करवाना है, जब कंसोल पे डाटा आ जाए तो यूआई पे लेके आने के लिए सिंपल है कि आप यू स्टेट लगा दें, ये डाटा यू स्टेट के हवाले कर दें आप। मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख लेता हूँ, सेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे उसकी इनिशियल स्टेट क्या लेंगे आप, खाली अरे, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। जो मेरा डाटा आ रहा है ये वाला, इसी को अगर मैं सेट स्टेट के हवाले कर दूँ, सेट प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स, ये ले, अब डाटा मेरा किस में आ गया, प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स के अंदर आप इसको बेशक कंसोल को कमेंट कर दें, इसको बाहर कंसोल डॉट लॉग चेक भी कर दें आप कि बाकी प्रोडक्ट्स में डाटा आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं स्लैश लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ये ले, ये देखें इधर आपको एक दफा रिफ्रेश कर लें, ये देखें वो स्लैश आ गई उसी तरह, ये पूरी रे आ गई, ये आ गया। अब आपका डाटा इसमें आ गया। यहाँ पे आपके पास फिर दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप यहाँ पे इसको यूआई पे इधर ही शो करवा दें रिटर्न से पहले, या अगर आपने इसके अंदर कोई लोडिंग शोडिंग भी लगानी है तो बेहतर होता है कि आप रिटर्न से पहले फंक्शन बना लें। दोनों ऑप्शन जो चलती हैं, आप लोडिंग यहाँ पे भी लगा सकते हैं कल को। अब देखिए आपका डाटा किस में आ गया, इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर, इसको ऐसा करते हैं एक फर्स्ट टाइम यूआई पे भी शो करवा लेते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं जी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और इसको कर दें क्लास नेम दे दें टेस्ट आईफन प्राइमरी एम वाई दे दें, टॉप एंड बॉटम 5, डिस्प्ले कर दें 1, एफ डब्ल्यू गोल्ड कर दें, पहले ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे एक आप लगा लें बूटस्ट्रैप का, अगर मैं एक लगा लूँ कंटेनर, उसके अंदर एक लग जाएगी रो, इसके अंदर हम अपना फंक्शन लगा लेते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर डाटा आ गया डॉट मैप, ये लो यहाँ पे आपके पास 1 by 1 आएगी एस प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूँ सिंगल प्रोडक्ट, ताकि आपको पता चले आप या वैसे ही नाम दे दें खाली प्रो दे दें प्रोडक्ट, इससे आपको भी पता चलेगा, या इसको प्रो कर लें ताकि स्टूडेंट ऊपर वाले वर्ड से कंफ्यूज ना हो जाए। कई यही समझते हैं कि इसको बाद में डॉट के साथ एक्सेस करना होता है, क्योंकि ये वेरिएबल अब इसमें आ चुका है लहदा, सो आप यहाँ पे कर लें, अब आपका आ जाएगा यहाँ पे आ रहा फंक्शन,
यहाँ पे आप रिटर्न कर लें, आपने करना है एक यूआई पे डाटा रिटर्न करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं, एक फर्दर डिव ले लें, या डिव लेने की जरूरत है, चले ले लें। इधर आप इसको कार्ड दे दें, बना बनाया ये लें, ये डिजाइन दे दें कॉपी, और इसको कर दें यहाँ पे पेस्ट। इसको आप कन्वर्ट कर लें जीएसएक्स में, लें इसको फॉर्मेट कर दें। अब डेटा बदलना कहाँ कहाँ पे, आपका डेटा आप किस वेरिएबल में, प्रो के अंदर, तो मैं यहाँ पे अगर इमेज बदलना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्रो डॉट, इसका नाम देख लें इधर से, क्या नाम है भाई, इमेज, यहाँ पे भी लिख लें आप टाइटल, प्रो डॉट टाइटल, और यहाँ पे दे दें प्रो डॉट डिस्क्रिप्शन, DSRIPPIN डिस्क्रिप्शन। प्राइस भी देनी है तो दे दें प्रो डॉट प्राइस, ये लें, और यहाँ पे कर दें एड टू कार्ट, करें BTN प्राइमरी की जगह कर दें डार्क, ठीक है, ओके ले। इसको जरा स्मॉल करें, हाँ एक लाइन में तीन क्यों नहीं आ रहे भाई, ये बूटस्ट्रैप का फॉल्ट है, हमें चाहिए कि यहाँ पे इसको की पहले दे दें एक, तो की का पता है की क्या होती है, की क्या होती है अच्छा देखें, अगर आप यहाँ पे जाके देखें ना कंसोल पे, तो आपको एक वार्निंग भी मिल रही होगी, इधर कंसोल पे आए, ईच एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स, ये देखें इधर कहीं लिखी होगी, इधर ईच चाइल्ड लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स। उसका कहने का मतलब यह है कि भाई जान, आपने जब इन प्रोडक्ट्स पे कल को ऑपरेशन करने हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट का नंबर क्या है, या उसका उसको कैसे इवेल्यूएट करेंगे, उसका कोई सीरियल नंबर तो हो, उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये इसके अंदर ही आपको की मिलती है। आप किसी भी चीज को की बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज की बनाए जो रिपीट ना हो रही हो, मिसाल के तौर पे मैं आईडी को बना लेता हूँ, तो आईडी को बनाना है तो प्रो डॉट डॉट आईडी, या बाद अगर ना हो तो यहाँ पे आपको इंडेक्स भी मिल जाता है, आप इंडेक्स को एज ए की बना लें, ये लें, ये भी ऑप्शन है आपके पास, इंडेक्स तो यूनिक ही होगा सबका, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये अप्रोच भी चलती है अगर की ना हो, आईडी ना हो, या इंडेक्स को बना लें। असल में यहाँ पे हमने गलती की है, इसको चाहिए हमें कॉल एलजी पे हम दिखा दें 3, कॉल एमडी पे दिखा दें 6, और कॉल 12 भी कर लें, चलें अब ठीक है, हाँ ये ठीक होगा, ये डाटा जो फालतू आ रहा है इसको आप स्लाइस कर दें, या सब स्ट्रिंग कर दें, सब स्ट्रिंग भी होता है स्लाइस भी होता है, दोनों ऑप्शन ही होती हैं, इसको 0 से 10 कर लें, और यहाँ पे डॉट 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 लगा दें, ताकि वर्ड उसका नाम ऐसा लगे जैसे कंटिन्यू है, और यहाँ पे लगा के 0 से 35 कर लें, और डॉट डॉट लगा दिया। अब इमेज रह गई है, इमेज की हाइट दे दें कोई अच्छी सी, यहाँ भी आप नाम कोई दे ही दें, प्रो डॉट क्या दें, इमेज दे दें नाम पास, यहाँ पे इसकी हाइट दे दें 270, ठीक हो नहीं गए 270, फिर विड्थ भी दें आप इसको 240, क्या यार ब्राउजर ही ऐसा है मुझे लग रहा है, सर वो तो क्या है, नहीं वो तस्वीर भी स्क्वीज सी हो रही है ना, 280 कर लें, और 235, और चले अब ठीक है, और 290 कर, अब ठीक, गैप किधर कह रहे हैं, नहीं कार्ड में गैप देना तो सिंपल है, इधर मार्जिन टॉप दे दें MT4, बस इतना का काम है, या 5 करना तो 5 कर दें, ये
ठीक हो गया। लेकिन ये आपका देखा डायनामिकली, ये आपका डाटा किसी ना किसी एपीआई से आ रहा है। अब कल को इसको ऐड टू क्लिक करेंगे और इधर हम एक नेवबार बना के इधर वो छोटी सी शॉपिंग कार्ड बना देंगे, जब इस पे ऐड टू कार्ड करें तो वो उसके अंदर ऐड हो जाए, फिर इस पे क्लिक करें ये दूसरा ऐड हो जाए, फिर उनकी क्वांटिटी जैसे आपका ई कॉमर्स बनी हुई है वो आपके पास दो ऑप्शन होंगी। आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ भी कर सकते हैं और रिडक्स के साथ भी कर सकते हैं। हम कोर रिडक्स से करेंगे क्योंकि तो रिडक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपका शादो नादर ही यूज होता है ये अभी। अच्छा उसकी हमने बहुत ही ज़्यादा कर दी हाइट इसको 270 करके, ये कर रहा है ठीक है। अभी भी उसकी इमेज में यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, यूज छोटा बड़ा है। फिर स्लाइस हम वर्डिंग को ज़रा सेट कर लें ताकि सबकी वर्डिंग एक जैसी हो जाए। हाँ अब ठीक है, वो किसी के वर्ड छोटे हैं तो वो ज़्यादा को प्रॉब्लम आ रही है, अब ठीक है। ले जी यहाँ तक तो डाउट है। यहाँ पे आप इस पे कंडीशनल जो है ना लोडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको पकड़ के ना आप कंडीशनल लोडर भी लगा सकते हैं। यहाँ यहाँ पे आप लोडिंग की एक स्टेट बना लें, जब तक डाटा नहीं आया तो लोडिंग क्या हो जाएगी ट्रू, यहाँ पे आप लोडिंग को ट्रू कर लेंगे यहाँ पे जाकर ठीक है, और उसको नीचे कंडीशनली रेंडर करवा लेंगे उसको। आप देखिएगा मैं आपको छोटा सा टास्क दे दूंगा, इसको भी उड़ा दें, अब कंसोल की हमें जरूरत नहीं है, इसको भी उड़ा दें ये लें। सर एक क्वेश्चन हाँ जी पूछते हैं, नहीं पूछते हैं सर, ये प्रॉमिसेस वाला ये क्या होती हैं प्रॉमिसेस, इसकी थोड़ी समझ नहीं आई थी। प्रोमिसज होते हैं, प्लेन टेक्स्ट है ये समझ लें। आपको प्लेन टेक्स्ट नहीं चाहिए होता, मतलब आपका यहाँ पे कैसा डाटा पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट में ये देख, ये समझ लें, ये ज़्यादा आपको इजी रहेगा समझना। ये डाटा किस फॉर्म में पड़ा है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप इसको फेच करते हैं तो आपको डाटा ऐसा नहीं मिलता, आपको डाटा ऐसा ही मिलेगा सीधा सीधा। उसका नाम लिखा होगा ABC, उसकी प्राइस लिखी होगी जनाब 340 जितनी भी है, कलर उसका रेड लिखा होगा, इस तरह डाटा मिलता है, प्लेन टेक्स्ट मिलता है आपको डाटा, ये समझ लें। तो हमारे तो किसी काम का नहीं है प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि आपकी MongoDB भी जो है ना वो जेसन फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करती है। हम जेसन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपकी जो MongoDB है ना ये आम डेटाबेस की नस्बत थोड़ी सी हटके है। आम डेटाबेस चलती है RDBMS, टेबल बेस चलती है, टेबल कलेक्शन रिकॉर्ड सॉरी टेबल और रिकॉर्ड वगैरह रिलेशनशिप। MongoDB में ऐसी कहानी नहीं है, MongoDB में ऐसे ही डेटा स्टोर होगा जेसन ऑब्जेक्ट में। तो हमें तो चाहिए डेटा जेसन ऑब्जेक्ट में, ये देखें जो डेटा आपका, ये जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं ये जेसन वाला फॉर्मेट है। ये इस फॉर्म में आपको मिलता नहीं है ऐसे, जब आप इसको फैच करते हैं ना आपको ऐसा मिलता नहीं है डेटा, वो इसको प्लेन प्लेन टेक्स्ट बनाने, मिलते हैं। हाँ इसको ऐसा बनाने के लिए ये मेथड होता है जेसन डेटा में कन्वर्ट करना, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसे आप जेसन में कन्वर्ट करें। ओके सर। हाँ आप यहाँ पे भी अगर आप ऐसा करें, यहाँ पे जाके देखें ना ऐसा करें, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के ना यहाँ पे मेरा हाल इधर आ जाए और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें रिस्पॉन्स, इसमें देखें आपको क्या मिलता है। इस पे लिख दें साथ वर्डिंग भी लिख दें ताकि पता चल जाए रिस्पॉन्स ये होगा। और ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक है वो हमने मैप लगाया हुआ है, इसको फिलहाल अभी कमेंट ही करते हैं, इधर आ जाए। ये देखें ये पड़ा हुआ है, ये हमारे किसी काम का नहीं है रिस्पॉन्स, ये देखें टेस्ट खाली है, ये देखें ओके है, डाटा आ गया है, हेडर्स उसके एक्सचेंज हो गए हैं ओके, स्टेटस जब 200 आ रही है इसका मतलब डाटा आ गया है, कोर्स भी उसकी क्लियर है, ये रिस्पॉन्स पड़ा हुआ है, ये देखें सारा आपके मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं देखें। ये अभी प्रोमिसज में हमें इसका कोई फायदा नहीं है, ये सारा जस्ट आपका ना रिस्पॉन्स है ये सारा। अब देखें इस रिस्पॉन्स का हमने करना क्या है, कुछ भी नहीं, इसका तो हमें कोई फायदा नहीं है, हमें तो चाहिए प्रॉपर डाटा।
तो डेटा को आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये देखें, ये मेथड होता है उसका, जेसन। जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको इस तरह वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देगा, ऑब्जेक्ट्स बना देगा। अगर आप यहां तक छोड़ दें, ये अभी आपके प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए, मतलब आप जो उससे मांग रहे हैं डेटा, वो डेटा यहां तक तो आ चुका है, लेकिन वो आगे आपको डिजायर्ड फॉर्म में नहीं मिला। डिजायर्ड फॉर्म के आपकी जेसन ऑब्जेक्ट या ये वाले ऑब्जेक्ट में आपको चाहिए, तो जेसन में आपको इसको खुद कन्वर्ट करना पड़ता है। यहां तक आपका प्रोमिसेस आए हैं, प्रोमिसेस को आपको खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली ब्रैकेट हम उड़ा देते हैं, यहां से इसको कट कर लें, इधर से इसको वापस कर देंगे। लें जी, इधर आ जाएं, इसको उड़ा रहे। ये आपका एक तरीका हो गया कैच एपीआई का, जो कि ट्रेडिशनल है। इसमें दो फ्लॉ हैं। दो फ्लॉ क्या हैं इसमें? पहली तो बात यह कि आपको जो डाटा मिल रहा है उसको आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, और दूसरा इसमें फ्लॉ ये है कि आप देखें, आप डॉट देन डॉट देन, वो दो तीन दफा डॉट देन लगा के आपको डाटा मिल रहा है, एक चेन बन रही है, वो कॉल बैक टाइम में एक हेल्प बनता जा रहा है, जिसमें इसका टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम ज़्यादा लग सकता है। देखें, अगर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा तो आपको हर लाइन पे चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। अभी तो मैंने ट्राई कैच वाली सिचुएशन ही नहीं यहाँ पे क्रिएट की। अगर वो वाला सिनेरियो आप यहाँ पे ड्रा करें तो वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दो ही मेन फ्लॉ है इसमें, एक तो कॉल बैक हेल्प टाइप बनता जा रहा है डॉट देन कितनी दफा, दूसरा आपको डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, प्लेन टेक्स्ट नहीं मिल रहा। अच्छा, ये वाला फंक्शन आप यहाँ पे ना कॉल करके ऐसे भी कर सकते थे अगर चाहते तो, ये डायरेक्ट फंक्शन ही करी कॉल कर लेते। ये ले, अब ऊपर ना भी दें तो आपको ये पता है जो भी यूज इफेक्ट के अंदर होगा वो एक दफा चलना ही चलना है, तो वो ऑटोमेटिकली डाटा आपका आ जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरह भी जाते हैं लैदा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन इसको वापस कर दें, आपको इतना छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि ये नहीं कि आप इधर ही लैदा नाम देंगे तो जनाब डाटा आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। लें जी, ये आपका एक बन गया। इसी को ऐसा करते हैं, हम एक और कॉपी बना लेते हैं, इसी की कॉपी बनाते हैं एक, और इसके अंदर करते हैं पेज, इसका नाम दे देते हैं एसिंक अवे। इसको कॉपी करें, एंटर, और इधर कर लें एसिंक अवेट, और एसिंक अवेट। बाकी डाटा तो ठीक रहेगा, यहां पे लिख दें एसिंक अवेट। ये लें, आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडिंग में कुछ चेंज करके देख ले, अवेट चलो, तो वो छोटा सा वेट आ गया, ठीक है, यानी मेरी फाइल आ गई। लें जी, अभी के लिए मैं इसको कंटेनर को करने लगा हूँ कमेंट, और ये वाली सारी कहानी करने लगे हम खत्म। ये वाली उसी तरह आपका फंक्शन है, मैंने एक लैदा फंक्शन बनाया, ठीक है, यूज इफेक्ट में उसी फंक्शन को पास कर दिया, बल्कि हमें चाहिए था कि उसका एपी रख लेते ये वाले, जो मर्जी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तो डॉट में उसको डिस्ट्रक्चर ही करना, बल्कि वो अच्छा किया आपको टास्क देंगे, अच्छा किया हजरात, ये अच्छा किया। उसमें ये है कि देखें, एक दफा सीधा सीधा फ्लो समझ आ रहे ना, पहले दिन ही वो मल्टीपल कर देना, यहाँ पे लाके जब आप कार्ड बना रहे थे तो इधर भी इनको डिस्ट्रक्चर कर सकते थे ना, वो भी एक ज्यादा रे बना कर, इधर भी डिस्ट्रक्चर कर सकता था मैं चीजें इस जगह पे भी। ये वाला जो हमने प्रो डॉट टाइटल कर रहे हैं ना, तो आप इनको ही पहले यहाँ पे भी डिस्ट्रक्चर कर सकते थे, यहाँ पे टाइटल को निकाल लेते, प्राइस को निकाल लेते, तो ये कहानी आपकी यहाँ तक पहुंचनी नहीं थी, ये आपका प्रो 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 खत्म हो जाना था। वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर कोई नए स्टूडेंट है तो पहले दिन बेचारे कंफ्यूज ना हो रहे, ये बड़ी प्रैक्टिस चलनी है हमने एपी की, अब एपीए के साथ ही खेलना है, क्योंकि जब बैकएंड स्टार्ट होनी है ना तो हर रोज एपीए ही बननी है, कभी डेटा भेज रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, कभी डिलीट कर रहे हैं, कभी अपडेट, ये एपीए के साथ ही हमने खेलना, तो इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।
अच्छा जी, इसको आपने बनाना है एसिंक अवेट। अब ये क्यों बनाना है इसको भी देखते हैं। और यहाँ पे मैं फिलहाल मेथड लिख लेता हूँ उसी तरह फैच, और इसके अंदर पास कर देते हैं यू आर एल कॉपी लॉज, यहाँ पे कर दी पेस्ट। एसिंक अवेट बनाते ही क्यों है वैसे, वाई क्यों बनाते हैं एसिंक अवेट, काम तो हमारा पहले भी हो रहा है। async await इसलिए फंक्शन को बनाया जाता है टू हैंडल डिले। देखें जब आपका आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप अमेजोन को एक्सेस करते हैं, अब पता नहीं अमेजोन किस दुनिया में जाके बनाई हुई है, या मैं फेसबुक को एक्सेस करता हूँ, या किसी अलीबाबा एक्सप्रेस को एक्सेस करता हूँ, उनका सर्वर अलग है, मेरा सर्वर अलग है, मैं इस मुल्क से बैठा उस मुल्क की वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ। There are two different destination और two different servers। अगर दोनों अलग अलग सर्वर हैं तो हो सकता है या तो मेरा सर्वर स्लो हो या उनका सर्वर स्लो हो, या पर डेप्ट मैंने क्यूरी गलती से ऐसी लगा दिया कि कोई ऐसा बटन प्रेस कर दिया जिसपे 2000 प्रोडक्ट लोड होनी है, तो अब हो सकता है 2000 प्रोडक्ट को लोड होने में टाइम लगे। अब ये हमें इस चीज़ का बखूबी आइडिया है कि जावास्क्रिप्ट चलती है लाइन बाय लाइन। अब वो इस लाइन पे आएगा, डाटा तो अभी आ रहा है, डाटा आया ही नहीं, और वो अगली लाइन पे पहुंच गया, हमने डॉट देन लगा दिया, हमने उसको कन्वर्ट भी कर दिया, और डाटा ही नहीं आया तो हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, तो आपकी यूआई क्रैश हो जाएगी। इस डिले को हैंडल करने के लिए कि जब तक डाटा नहीं आता आप उतनी देर कोई और काम कर ले, हम लोडर दिखा देते हैं, या आप चाहते हैं कोई और सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट करनी, कोई अलर्ट देना है, या यूज़र को किसी तरह एंगेज करना है, या उसको कह रहे कुछ एक दो प्रोडक्ट आप ऐसे को दिखा दें। यानी जो सर्वर से डाटा आ रहा है उस डाटा में अगर डिले हो रहा है या आपकी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स टाइम में मसला है, तो उस डिले को हैंडल करने के लिए फंक्शन को बनाया जाता है एसिंक अवेट। ये लो, अगर एसिंक बनाया तो उसको अवेट भी बनाना ही बनाना है आपको। इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट के अंदर। ये लो, अब जो मेरा रिजल्ट आया है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा उसमें कन्वर्ट जेसन। ये लो, वैसे ये तो फिर हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी है। इसको आप ऐसा करें कंसोल डॉट लॉग देखें रिजल्ट में आ क्या रहा है आपका। ये लो, इसको कर लें लेट। जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना उसी रिजल्ट को ही आप जेसन में कन्वर्ट कर दें। दो ऑप्शन है आपके पास, आप एक नया वेरिएबल लें डाटा का, इसके अंदर जो रिजल्ट आ रहा है इसे जेसन में कन्वर्ट कर दें। एक तो ये तरीका है, आप डाटा आपका कहाँ आ गया डाटा के अंदर, ये भी तरीका है आपके पास। इधर आए अब देखें आपका डाटा आ चुका होगा यार, प्रॉमिसेस हैं अभी वैसे, ये देखो प्रॉमिसेस ही खाली मिल रहे हैं, प्रॉमिसेस फुलफिल, प्रॉमिस फुलफिल हो गए हैं। अब एक अरे मिल रही है मुझे 20 रिकॉर्ड्स की, ये देखो उस अरे में डाटा पड़ा हुआ है, देखो ये पड़ा डाटा। या बेस्ट हल क्या होता है ये देखें आप, ये वाला फजूल का। अच्छा वैसे आप इसको अवेट नहीं किया, अदरवाइज आपको डाटा डायरेक्ट मिल जाना था, हमने इसको भी अवेट कर लेना ही, देखें जो जेसन आ रहा है उसे भी अवेट करवाएं, पता नहीं हो सकता है रिजल्ट आने में भी मसला आ जाए। ये देखें अब डायरेक्ट ही आपको रे मिल जाएगी, डायरेक्ट ही आ, ये आप इतनी लंबी चौड़ी लाइन के लिए एक अलहदा वेरिएबल लिया, इससे छुटकारा भी आप पा सकते हैं। आप जो रिजल्ट आ रहा है ना उसे डायरेक्ट आप जेसन में कन्वर्ट कर, ये ले। अब ये लाइन से निजात मिल गई, एक ये तो सिर्फ कंसोल ही करा रहा हूँ ना मैं, बाकी ये तो एक ही लाइन है असर रह गई, देख उसी के आगे मैंने जेसन में कन्वर्ट करवाया, आपका कोड और शॉर्ट हो गया। ये बजाय इसके कि आप अलहदा वेरिएबल लें,
मैं आने वाले डाटा को ही रिजल्ट को जेसन में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। ये देखे डाटा आ रहा है आपका, अब फिर वही काम, नीचे डाटा आ गया आपके पास, नीचे आप डाटा किस में आया आपका, प्रोडक्ट्स में, इसको सेट प्रोडक्ट्स के हवाले कर दें, ये पकड़े इसको, पकड़ें कॉपी, यही वाला डाटा इसको दे दें यू स्टेट को। जब यू स्टेट के पास चला गया तो मैं मैप भी एक्टिवेट कर देता हूँ, ये वाला नीचे फिर कार्ड ड्रा कर देता हूँ, ये वाला उसी तरह आगे फिर आपका मैप लग देगा ये। बाकी वो अनेक दफा मैप लगा रहे हो, बार बार क्यों लगाना है, फिर डाटा आपका आ गया, एसिंक का वेट। इसमें कुछ हद हाँ तक हमारी जिंदगी आसान होगी। अब देखें कोड काफी हद हाँ तक आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है, चले कोड शॉर्ट हो गया, लेकिन इसमें स्टिल एक अभी भी प्रॉब्लम है, जेसन को डेटा जेसन में कन्वर्ट करना। और एक तो चले डॉट देन से हमारी जान छूट गई, कोड हमारा क्लीन हो गया, शॉर्ट हो गया, हम डिले को भी हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, पहले तरीके में आपको डिले को हैंडल करने के लिए अपने फंक्शन को ट्राई कैच ब्लॉक में रखना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्ट एसिंक अवेट कर सकते हैं, ये मेथड ही एसिंक अवेट है, आप डायरेक्ट एसिंक का वेट लगाएं, ये खुद ही वेटिंग में लगा रहेगा। इससे पहले अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अब आप लोडर दिखा सकते थे, यहाँ पे लोडिंग दिखा सकते हो, और जब डाटा आ गया तो लोडिंग को पॉज कर सकते थे। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपका अभी एक मसला उसी जगह बदस्तूर कायम है, जेसन में कन्वर्ट करना, डाटा जेसन में कन्वर्ट करना। यहाँ पे ही आपका थर्ड मेथड इंट्रोड्यूस हुआ एक्सियस, यहाँ पे आपकी एक नई लाइब्रेरी आ गई एक्सियस एपीआई डॉट जेएस। ये दोनों रिएक्ट करते हैं फंक्शन पे। सर टेंशन ना ले, अभी उसी तरफ आते हैं, पूरा तसल्ली से समझाऊंगा आपको। अच्छा, ये हमने ऐसी कर दी है, चले इनको कॉपी कर लें, इसको कर दें पेस्ट, नाम लिख दें एक्सियस एपीआई। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख दें एक्सियस, ठीक है, ये मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, इसको फिलहाल इधर ही पड़ा रहने दें, इसमें जाके इसको कमेंट कर दें, एक्सियस ये। एक्सियस एपीआई, अब मेरा एक्सियस आ चुकी है ऊपर, ठीक है, वो वाली फाइल रेंटर होगी। अब इसको ये वाला फिलहाल हम अभी कार्ड की हमें जरूरत नहीं है, कार्ड को तो फिलहाल आप कमेंट करके साइड पे रख दें, ये लो इधर आ जाए, ये डाटा भी उठा देते हैं, बल्कि ये फिर हमें जरूरत पड़ेगी यूआरएल की, इसको इधर से कट करके इधर ही रख दें अभी, ये लो। ले जी इम्पोर्टेंट मेथड एक्सियस, ये एक लाइब्रेरी है, और लाजमी नहीं कि आप एक्सियस इधर ही लगाएं, आप एंगुलर में लगाएं, व्यू में लगाएं, जहां आपने एपीआई से डाटा गेट करना है वहां आप एक्सियस का यूज कर सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है। सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको एनपीएम जी में जाके देखें, अगर उसको एक्सियस साथ लिख दें एनपीएम, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। ये देखें एनपीएम आई एक्सियस इंस्टॉल करने का तरीका लिखा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने के काम आता है, प्रोमिसज वगैरह हैंडल करता है, डाटा को जेसन में कन्वर्ट करता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर फॉर जेसन डाटा, नहीं ये दो ही लापता है। हाँ जी, आजाद और शबीर के इनका अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते से लापता है, इसको मिले नहीं दी, ये 2 हफ्ते से नहीं आ रहे, इनका तो गार्डियन का नंबर देख ले, गार्डियन को भरोसा है। अच्छा जी, ये देखें, ये ऑटोमेटिक डाटा ट्रांसफर कर रहा है,
आपकी HTTP रिक्वेस्ट। अभी इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, फिलहाल इंस्टॉल करने का आपको तरीका यहाँ पे देखना था, वो आपने देख लिया है। इधर है टर्मिनल में, इसको इंस्टॉल कर लें, NPM इंस्टॉल लिख लें या आई लिख लें, दोनों का मतलब सेम ही है। सिंपल पाकिस्तानी सोल्यूशन। हाँ जी, ये देखें जी, अब जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो आप इसको पहले इंपोर्ट करें, इंपोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस, ये लें। अब इसका कमाल ये है, देखें एक्सियस के अंदर अभी जो पहली दो आपने मेथड पढ़े हैं ना, उसके अंदर आपको ये वाली चीजें नहीं मिल रही, ये वाली आपने जब पूरा क्रड ऑपरेशन कंप्लीट करना है ना, तो उनके अंदर आपको मेथड चारों के अलग बनाने पड़ेंगे। ये एक्सेस की क्वालिटी है कि इसके अंदर सारे के सारे ऑपरेशन बिल्ट इन मिल रहे हैं। एक्सेस अगर आपने डाटा गेट करना है तो सिर्फ डॉट गेट लगा दें, अगर सेव करना है डाटा डेटाबेस में तो डॉट पोस्ट लगा दें, पुट अपडेट करने के लिए होता है और डिलीट डिलीट के लिए। ये पहली दो अप्रोचेज में मेथड नहीं थे। अब मैंने इसको गेट करना है तो मैं इसको पहले तो गेट करता हूँ, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये लें। इसको फर्दर आप चाहें तो एसिंक बनाया हुआ है, चलें इसको भी अवेट ही कर दें अगर करना है तो, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें रिजल्ट में, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं आप डायरेक्ट। इसमें मिलेगा क्या आपको, पहले तो ये देखें रिजल्ट में आपको मिल क्या रहा है। यहाँ पे आए, इसके अंदर आई थिंक एक डाटा की अरे मिलेगी आपको, ये देखिए एक अरे है 20 रिकॉर्ड्स की, उस डायरेक्ट अरे उसने दे दी है 20 रिकॉर्ड्स। तो डायरेक्ट अरे दे रही तो मेरा तो उसने टाइम बचा दी है। अच्छा हाँ ये ठीक है, देखे ना एक डेटा की रे मिलती है, एक अरे है जिसका नाम डेटा है, एक ऑब्जेक्ट देखें, एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम डेटा, उसके अंदर 20 रिकॉर्ड की रे पड़ी है। तो अगर मैं डेटा को ऑब्जेक्ट में से निकालना चाहता हूँ तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये अब फिक्स वर्ड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इस वर्ड के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। देखिए आप अगर जाके आप करें तो आपको डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा। आप मेरे ख्याल में ये वाला काम इधर कर ही क्यों रहे हैं, ये वाला अगर आपने डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ ली है तो आप डेटा को डायरेक्ट भी तो डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं यहाँ पे, और रिस्पॉन्स में से निकाल लेना, ऑब्जेक्ट है तो उसमें से निकाल लिया, अब डेटा आपका किसमें आ गया, डेटा के अंदर। अब जाके देखें जरा, ये ले तो ये लाइने कितनी फजूल हो गई, ये ले एक ही लाइन का कोई टेंशन नहीं करता, मगर वो लाइन भी मैंने खत्म कर दिया है। जो आप करना चाहते हैं वो वाला कर लें, कंसोल डॉट लॉग, आपको यहाँ पे पहले रिस्पांस मिलेगा, उस रिस्पांस को रिजल्ट में कन्वर्ट करें, कंसोल डॉट लॉग रिस्पांस डॉट डाटा, एक तो ये वाला आपके पास ऑप्शन है, ये दोनों। इसको बचाने के लिए हमने इसको डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर, अब आपका डाटा किस में आ गया है, डाटा के अंदर। तो इसको सेट प्रोडक्ट्स के अगर हवाले कर दें और यहाँ पे आगे प्रोडक्ट्स को चेक करें कि क्या प्रोडक्ट्स में डाटा आना स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट्स ये इधर आ जाएं, कॉमा प्रोडक्ट्स, ये ले, ये देखें आ गया डाटा, ये
अच्छा ठीक है, एक दफा रिफ्रेश कर लें यार। अब वही वाला काम मैप करना है, मैप भी हो गया, कार्ड बांध के नीचे कार्ड ऑटोमेटिक रेंडर हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें अब तक का सबसे कामयाब तरीका ये वाला एसिंक का वेट। अब देखें, ये सबसे पहले इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने के चारों मेथड आपको बिल्टन मिलते हैं, गेट पुट डिलीट पुट जो भी हैं चार मेथड, जो कि पहले ही दो प्रोसेस में आपको नहीं मिली, पहला इसका बेनिफिट। दूसरा इस जेसन में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे, ये देखें मैंने किसी जगह जेसन में कन्वर्ट भी किया, दो बिट्स हो गए, और देखें नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड देखें, एक ही लाइन में पूरा फंक्शन बन गया। बल्कि ये अगर मैं यूआरएल भी इधर बाहर निकाल देता यहाँ पे, तो इसको मैं इन ब्रैकेट के साथ लगाता तो वो एक ही लाइन बन जानी, और यहाँ भी फंक्शन ना बनाता, यूज इफेक्ट में कर देता तो बिल्कुल कहानी खत्म। यानी डेढ़ दो लाइनों का कोड और आप एपीआई से डाटा गेट कर रहे हैं। इसमें जहाँ पे इतने बेनिफिट्स हैं, इसमें मैं समझता हूँ अपने तौर पे एक फ्लॉ है, मतलब वो आप इसको नेगेटिव सेंस में देख लें या पॉजिटिव में देख लें, या आपकी अपनी अप्रोच है। जो पहले दो मेथड हैं ऑल दोनों में हमें कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, जैसे में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, उसमें प्रॉब्लम ये है आपके पास कि वो आपके बेनिफिट जो पहली दो आपने मेथड पढ़े हैं वो रिएक्ट के बिल्टन मेथड हैं, आपको उसके लिए कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है आप जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हो, वो कहें नहीं जी आपने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी करते हैं इसके फोल्डर्स बनते हैं, आपको पता है नोड मॉड्यूल में फोल्डर बनता है, वो अपने उसके कोई लवाजम आता है तो आपकी फाइल हैवी होती है। जहाँ पे इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, अब पता नहीं प्रोग्रामर इसको ड्रॉबैक मानते हैं या नहीं, मैं इसको इसका ड्रॉबैक मानता हूँ कि आपको इसको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी आपको थर्ड टूल का सहारा लेना पड़ता है एपीआई को गेट करने के लिए। ये कुछ रिएक्ट का बिल्टन मेथड नहीं है। अब देखें, मुझे जस्ट अगर एपीआई को गेट करना था तो किसी और दरवाजे को फटकटाना पड़ा, एक्सेस को इंस्टॉल करना पड़ा, जबकि दोनों पहली अप्रोचेज में मैंने कोई थर्ड टूल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की थी। ये सिर्फ इसका मेरे ओपिनियन से ड्रॉबैक है, अदरवाइज इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, शायद नेट वाले इसको माने या ना माने, क्योंकि हम चूँकि रिएक्ट पढ़ रहे हैं। आप कोशिश करें, मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, अगर आप अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी का सहारा कम से कम लिया करें, जो कोर कॉन्सेप्ट है ना उनको इतना स्ट्रांग बनाएं कि आपको लाइब्रेरी की जरूरत ना पड़े, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें बना सकें, अपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना सकें, अपना काम करके रख लें, जब जरूरत हो उसको कॉल कर लें आप, बजाय इसके कि आप उनकी अलहदा लाइब्रेरीज बनाएं। इसलिए मैं लाइब्रेरी से इतना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अभी तो आप लर्निंग स्टेज पे हैं, जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इन वर्ड्स की आपको हम ये समझ आएगी, अच्छा यार ये एक लाइब्रेरी इतनी महंगी पड़ती है, कंपनी आपको रिस्ट्रेंड करेंगे कि यार ये दो लाइब्रेरी के अलावा आपने इंस्टॉल नहीं करना, तो फिर आपको याद आएगा फिर तो एसिंक का वेट ही बेस्ट है या डॉट देन ही ठीक है, डाटा ही गेट करना है ना, और ऊपर से पाबंदी लगा दी कि आप लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करते, और कई जगह ये रिस्ट्रिक्शन होती है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में कई और लाइब्रेरी इंटीग्रेट की होती है जिससे उनकी फाइल का हजम ज़्यादा हो जाता है, वो नई फर्दर लाइब्रेरी को अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर में मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया, वो कहते हैं ना आपने एसिंक अवेट के बाहर नहीं जाना, आपने एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी, इन्हीं के अंदर रह के आपने काम करना, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी कर चुके हैं कि अगर और करें इससे कोड की। अब देखें ये तो बाइट बिट में डाटा है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा तो उसको इंस्टॉल करने के लिए इसके पहले तो फोल्डर्स बनते हैं, उनको एग्जीक्यूट होने के लिए भी टाइम लगता है, और कल को ये फर्ज करे ये बंदा आके एक्सेस ही उड़ा दे, देखें ना तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है हम क्या कर सकते, अगर कल को इसका मालिक ही कह दे जनाब मैंने एक्सेस को प्रीमियम बना दिया क्या करेंगे, फिर सारा प्रोजेक्ट बदलेंगे, इसलिए भी वो अवॉइड करते हैं, इसे ऐसी लाइब्रेरी को लगाएं कल को वो पैसे मांगना शुरू हो जाए। देखें ना पहले प्ले स्टोर पे सही फ्री ऐप्स अपलोड होती थी, अब उन्होंने कहा नहीं यार ये तो काफ़ी ज़्यादा इधर भाई होना शुरू हो गई, उन्होंने उस पर पाबंदी उस पर $20-25 लगा दिए। अब यूट्यूब पर भी देखें अब इतना ज़्यादा भरमार होती जा रही, साल दो साल में वीडियो प्रीमियम हो जाएगी, जो चैनल बनाएंगे उनकी वीडियो सेल हुआ करेंगी बेचारा,
अब ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, वो कहते हैं इस तरह तो बंदा फ्री बैठा होता है, वो मोबाइल ऑन करके टेक लगा के बैठ जाता है, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करता है, जहाँ तो सर्वर पे है ना, सर्वर तो उन्होंने बेचारे यूट्यूब की टीम ने हैंडल करने, उनका हजम बढ़ता जा रहा है। अब देखें वो सर्वर लेस, वो पता नहीं बेचारे कैसे डाटा हैंडल कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी, सिर्फ आप लाहौर के अंदर देखें कितने लोग डेली वीडियोज अपलोड करते हैं, क्या कभी यूट्यूब स्लो हुआ है? हालांकि फेसबुक को तो जोड़े हो तो सिर्फ सीधा सीधा काम है, असल काम है यूट्यूब। एक एक बंदे ने 1.5 2 2 घंटे के लैक्चर, 4 4 घंटे के लैक्चर, 16 घंटे के लैक्चर, और दिन में कितने ही अपलोड हो रहे हैं, कितना डाटा, कितने हैवी सर्वर हैं उनके, उसका भी बैकएंड नोड पे बना हुआ यूट्यूब का, पहले नोड पे नहीं था, फिर उन्होंने जब हो नोड की यही क्वालिटी है कि आप जितनी मर्जी कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना लें, मल्टीनेशनल लेवल की, कॉरपोरेट लेवल की, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बैकएंड हो, नोड अब तक का सबसे पावरफुल बैकएंड है अब तक का। उसके मुकाबले में रूबी ऑन रेल्स आ रहा है, लेकिन वो उस पर काम को, वो उसकी नेचर और तरह की डेटा की, और नोड जितना इन हो चुका है, अमेजोन इस पर शिफ्ट हो चुका है, वो अपना फ्रंट एंड चेंज कर रहे हैं। अभी फ्रंट उन्होंने HTML और CSS से बनाया हुआ है पुराने तरीके से, अब वो उनकी टीम लगी हुई है इस पर। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली हमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ये जनाब आपके 3 मेथड हैं, मेरी तरफ से पाबंदी कोई नहीं है, मैंने तीनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिए। आपका दिल करता है डॉट देन लगा लें, एसिंक अवेट लगा लें, एक्सिस लगा लें, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। आप जब जहाँ के इन्वायरमेंट में जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे, हाँ आपको तरीके तीनों ही आते हैं, आपको अमूमन ये 3 तरीके इकट्ठे शायद ही यूट्यूब पे मिले, दो एक जगह मिल जाएंगे, एक एक जगह मिल जाएगा, एक्सिस और एसिंक मिल जाएगा, डॉट देन वो मिल जाएगा, 3 ही अप्रोचेस इकट्ठी नहीं मिलेंगी। तो ये मैक्सिमम 3 अप्रोचेज, आगे क्यूरी के मेथड आते हैं, क्यूरी सिलेक्टर्स के, वो फिर एक लाइब्रेरी आ जाती है। ये दी बेस्ट है अभी तक के लिए जो आपकी ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है जितनी का आपका कोर्स के सिलेबस के अंदर है, इससे बियॉन्ड आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्रेड फंक्शनैलिटी करनी है, अथेंटिकेशन करनी है, या आपने तो प्रोटेक्शन करनी है, तो इन्हीं APIs के अंदर रह के आप सारे काम कर सकते हैं। हाँ जी, API से रेलेवेंट आपका कोई भी डाटा, आप कौन सी API कह रहे थे जी, बताएं जी, आप डमी डॉट दिस लें जी, टेंशन ही खत्म। आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार ली, मुझे क्या है भैया, आपने खुद ही मशवरा दिया। डॉक्टर और क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें, लेकिन सीधा सीधा तो काम है, रे है ना, रे के अंदर। तो सर कोई बात नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या ऑब्जेक्ट के अंदर जाना प्रॉब्लम है? एक मैं आपको मजे की बात बताऊं, फंक्शन को ऑब्जेक्ट पास करना आसान है, अरे पास करना मुश्किल है किसी भी फंक्शन को। कभी पास करके देखिए, कभी अरे पास किए फंक्शन को कभी जिंदगी में, अपनी कोडिंग पढ़ लिए, आप ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं, फंक्शन को फंक्शन पास कर लेते हैं, पैरामीटर पास कर लेते हैं, ऐसा अरे कॉम्प्लेक्स होती है ना, अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अरे पास करने का टेक्निकल तरीका है, वो आपने रेस्ट ऑपरेटर, शायद मैं तो अगर होता तो आपको पढ़ा देता उसमें, अगर आप देखें ये, फिर इन्होंने ना प्रोग्रामर जीनियस लोग हैं, वो कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी करते रहते हैं हमेशा। ऑलरेडी इसका तरीका नहीं था, ऑब्जेक्ट तो आप वैसे ही देंगे ना एक्स, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट ही जा रहा है, वो बाय डिफॉल्ट ही जा रहा है। असल काम होता है आपको API को, ये मेरे पास अरे पड़ी हुई है जी, ये वाली अरे, इसी को पकड़ लें, बल्कि इसको रहने, हमने कुछ 2 दिन थोड़ी लगाने हैं। मैं लेता हूँ कौन से एक फंक्शन ले लेता हूँ डेटा, चल ऑब्जेक्ट पास करना ज़्यादा आसान है फंक्शन को, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको आर्गुमेंट दिया एक्स वाई, और रिटर्न कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई, सिंपल है। और यहाँ पे अगर डाटा को कॉल करता हूँ तो 2 वेरिएबल भी देने पड़ेंगे, अगर मैं 2 वेरिएबल नहीं देता तो क्या करेगा ये, इसको मैं यहाँ पे जाके अगर चलाता हूँ तो क्या जवाब आना चाहिए,
नोड एंड डेप्थ डॉट देयर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ फिर अब क्या होगा? नहीं, एक अनडिफाइंड तो नहीं है ना, एक को तो डाटा मिल रहा है, एक अनडिफाइंड है। जवाब क्या आएगा? ये जावास्क्रिप्ट का सवाल है। एनएन जब एक अनडिफाइंड के साथ आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो एनएन आता है यहाँ पे, अब उसका जवाब एनएन आएगा, ठीक हो गया। अब मसला ये है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसमें आप देखें कैलकुलेटर को पता होता है कि आपने कितने नंबर देने हैं, कभी आप 3 नंबर देते हैं वो ऐड कर देता है, आप 100 भी दें वो ऐड कर देता है, 15 दें वो ऐड कर देता है, फिर कैसे नंबर वो ले लिया। मैंने जब अनडिफाइंड पैरामीटर्स देने होंगे यहाँ पे देखें यही फंक्शन है, मिसाल के मैं रिटर्न की बजाय यहाँ कंसोल करा लेता हूँ, बार बार वेरिएबल तंग करेंगे एक्स प्लस वाई, ये ऐसे कर लें डाटा, बल्कि कंसोल तो हो ही गया, डाटा कर लें 5 5, ठीक है। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, एक यूज़र आया उसने ये नंबर दे दिए, ये ले, एक और यूज़र आया उसने ये नंबर दे दिए, एक और यूज़र आया उसने ये नंबर दे दिए, कैसे हैंडल करेंगे इनको? इसको रेस्ट के साथ आप गेट करें, और इसका कमाल देखें आप, डॉट 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 मैं एक्स में ले लेता हूँ आपके पर, या नाम रेस्ट रख दें जो भी, ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता। अब आप जाके इसको कंसोल पे देखें जरा, डाटा किस फॉर्मेट में जा रहा है। अब इनको मैं अगर कहूँ सम करना है तो टेंशन ही कोई नहीं, डॉट लेंथ ही चलानी है ना, रेस्ट डॉट लेंथ आई सम, तो हम इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लें उसके अंदर उसको ऐड करते जाएं, जितने भी नंबर होंगे ऐड हो जाएंगे, हमने लेंथ तक चलाना है ना, अगर 2 देगा नंबर तो लेंथ 2 हो जाएगी, 3 देगा तो 3 हो जाएगी, हम लेंथ तक एक फॉर लूप लगा लेंगे इस फंक्शन के अंदर, चाहे वो 2 दे नंबर उनको पास कर क्लियर कर देगा, 3 दे उनको सम कर देगा, 4 दे उनको कर देगा। अब हमारी ये टेंशन ही नहीं है, वो एक भी देगा तो आपको एरर नहीं आएगी, अब प्रॉब्लम नहीं होगी आप। अगर तो चले बाउंड है आके वो सिर्फ देगा ही 2, फिर तो आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं, अगर आपको कोई पैट पता हो ना कि यार यूजर को हैंकी फेंकी कर सकता है इस तरह, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स 2 की हद तक तो चले दे, 3 की हद तक भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये ले इसको कर लें कॉमा, अब एक भी देंगे एक्स प्लस वाई, अब वो एन एन नहीं देगा, अब वो 5 दे देगा, और अगर अब आप 2 वैल्यू दे देंगे उन दोनों को वो ऐड करके दे देगा आपको, ये बेस्ट तरीका होता है अगर आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल हैं। अब वो यूज़र कुछ भी कर ले आपका एटलीस्ट प्रोग्राम चलता रहेगा, वो यूआई या आपकी प्रोग्राम जो है वो स्टक नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगाना या ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान है, अरे को टारगेट करना हो ना तो आपको लग पता देगा, कभी अरे आपके सामने आएगी ना, अरे कैसे आएगी, जब आप शॉपिंग कार्ट में चीज़ें ऐड करेंगे ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जब उनका टोटल करना पड़ेगा तो फिर आप सोचेंगे यार रिड्यूस लगाऊंगा मैं, क्या करूँ, कैसे लूप चलाऊँ, एक अरे में आपको डाटा मिलता होगा, वो उठाना कैसे, ये मसला होता है। पड़ा तो हुआ है, सम करना कौन सा मसला, अगर आपको उसको पिक करना आ गया तो फिर तो मसला लूप पड़ी हुई है, चला दें कहानी खत्म, उस डाटा को उठाना मसला होता है। हाँ जी, एपीआई से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो डमी का आप ये वाला कर लें या मेरे वाला कर लें। हाँ, आपने एक काम करना है, ये मैंने तो चले एक स्टेप कम कर दिया, आपने इस पे जरा अच्छी सी फैंसी सी यूआई तैयार करें, इस पे जरा होवर इफेक्ट लगाएं, जरा इस पे क्लिक करें तो जूम इन जूम आउट ऑफ पिक्चर, और नीचे शेडो टाइप बन जाए, शेडो पे कौन से 2 दिन लगे, शेडो पे करीब ना आ रही है, कार्ड को टारगेट करके शेडो बना दे, गिट ओ यार
अब फिर एक काम करना, आज मेरी क्लास है 4 बजे ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग से, आपको ग्रुप में आया हुआ है ना, उधर आ जाना, सब कुछ करा देंगे, सारी दिन बड़े ग्रुप आएंगे उसमें, और घर बैठ के ज्वाइन कर लेना। ले जी कार्ड पे जाएं, यहाँ पे बॉक्स शेडो, ऐसे ना कोई फैंसी से शेडो आप बनाएं, इस पे 4 पिक्सल हो, एक्स एक्सिस वाई पे 4 कर दें, नहीं वाई पे 5 कर दें, कलर हो उसका 5 पिक्सल कर दें फिर अच्छा लगेगा, या 3 पिक्सल कर दें, और उसकी मिक्सिंग टू कर दें, और उसको कर दें ब्लू करके देखते हैं कैसा लगता है बल। चलो ऑन होवर भी तो करें भाई, कौन सी ऐप चला रहे हैं? अच्छा तो क्या मसला है, कार्ड को डॉट कार्ड को टारगेट किया, डॉट कार्ड को टारगेट कर लिया, ठीक है क्लास नेम को ऐसे टारगेट करते हैं हम, बॉक्स शैडो दे दिए 4 पिक्सल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ब्लर और ये कलर, और ये देने की जरूरत है, कॉमा कॉमा ओके। और आपने करना पता क्या है, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करें उसकी डिटेल भी खुले, आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा पहले, अगर नहीं ओपन होगी तो कोई मसला नहीं, मैं करवा दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें अपने तौर पे उसका सारा प्रॉपर यूआई को फैंसी पेज बनाए, ऐसे ऐसे इस तरह प्रोडक्ट आ रही हो, इधर उसकी डिटेल आ रही हो, ऐसे बटन हो, ऐसे कलर शलर लगे हों ये, और नेचर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाए, प्रोडक्ट उसी में कर ले। हाँ उसी में कर ले, लेकिन एक दफा एपीआई का टास्क भी करें ना, आपके पास डाटा अपना पड़ा होगा, आप उसकी जगह एपीआई कन्वर्ट कर लें, मैं भी फैच एपीआई लगानी, बाकी स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना। फिर सो गया है भाई, लॉर्ड पता नहीं किधर ही गुम हो गया है। सर ये इंडेक्स सीएसएस वाली फाइल ऑलरेडी लिंक्ड होती है या करनी होती हाँ है? जी हाँ जी, ये लिंक होती है सर, ये पहले आप इंडेक्स डॉट जेएस में देखे ना जाके, देखें ये मेन ऐप से इंटरलिंक होती है। हाँ ठीक, वैसे तो आप अपनी कस्टम सीएसएस भी लिख सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, देखें जाके इसको ग्रे कर दें, इसको कर दें ग्रे, और ये वाला शेडो थोड़ा सा चले, इतना ही काम है वैसे, ये काम कर सकते हैं, इसको स्केल कर दें हल्का सा, स्केल 1.1, हाँ ये सही लग रहा, ये ठीक है चले। इसके अंदर आप पिक्चर को जूम करना है, मैं तो फिलहाल इसको कर रहा हूँ स्केल, या वो वाला कर लें या ये वाला कर लें, जो आपकी मर्जी है, इस पे ट्रांजिशन भी दे दें आप, ट्रांजिशन और ही कर दें चलें। स्लो 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 ऑल 0.5S, ये सही, इसको ना प्रॉपर आप अपनी कोई यूआई जिस पे काम कर रहे हैं ना उसके अंदर सिर्फ एपीआई ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो अपना जेसन ऑब्जेक्ट में डाटा पड़ा है ना वो काम नहीं आना, आपने जब बैकएंड स्टार्ट करनी है तो वो मैंने वैसे भी डाटा आपका डिलीट करवा देना है, हमने रियल डाटा के साथ काम करना है, अभी हमने फेक बनाई है एपीआई,
तो कल को उसी एपीआई को जस्ट रिप्लेस कर देंगे हम। सर वो खुद से ये डुप्लीकेट भी बनाता है, आइट्रेट भी करता है, इंक्रीमेंट भी करता है, सारे काम करता है। रिड्यूस मेथड है, रिड्यूस मेथड नहीं पढ़ाया उन्होंने, पढ़े फिर आज जाके। ये तो आप खुद भी देख लेना, छोटा सा मेथड है रिड्यूस, इसी पे बनाते हैं ज्यादातर, यही लगता है रिड्यूस। इसकी एक इनिशियल वैल्यू होती है, एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं ना आपको, ये वैल्यू दी है उनको माइनस करना है या टोटल करना है, या 1000 वैल्यू में, ये देख एक मिनट में वो कर देता है, और ये आपके लगेगा शॉपिंग कार्ट रेड्यूस। वैसे तो मैप से कर सकते हैं आप, फिर आपको लगा प्लानिंग करनी पड़ेगी, वेरिएबल बनाने पड़ेंगे दरमियान में, कर ले हो जाएगा। फिर ये स्प्रेड ऑपरेटर से बाकी वैल्यू सेम रखें, अगर सिर्फ प्राइस को टोटल करना है तो प्रोडक्ट का डॉट 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 प्रोडक्ट और प्राइस के आगे लिख दें एक्स, प्राइस इज इक्वल टू एक्स डॉट जो ऊपर से आपका डाटा उनको प्लस करते जाए। और ये आपको मैं गूगल पे अपलोड कर देता हूँ, आपने या इधर चेक करवा देंगे, गूगल क्लास में सारे ऐड हैं, गूगल पे असाइनमेंट ऐड कर देता हूँ, ताकि अब आप भी ना असाइनमेंट भी चेक करें। पहले अब आपका ना हफ्ता हो गया मुकम्मल, पहले आप थे मेहमान, अब आपको समझ आनी शुरू हो गई है, तो अब आपको काम भी देंगे। वीडियो भेजी थी उसने कि नहीं? उसको मैंने 2-3 दफा कल फिर कहा, मैं कहा यार भेज दो वीडियो, उसको कल कौन सी वाली। लेकिन सर कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं वो मिसिंग है अभी। सर आप मैसेज क्यों नहीं करते टैग करके? देखिए मैं जब से आया मैं अपनी वीडियो को इंश्योर करवाऊंगा कि आपको मिल जाए। अब प्रीवियस का आपका क्या सिस्टम है, क्या करता है सर? वो भी आपकी थी वो जो ES6 वगैरह के जो लेक्चर्स थे ना उनकी मिसिंग है यार। आपके दोस्त कह रहे हैं आ गए हैं, चेक कर लें ग्रुप में, देख लें एक दफा। चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ एक दफा वैसे लिस्ट चेक कर ले, मेरा ख्याल है वो बाद दफा ना हर दूसरे हफ्ते इकट्ठी भेज देते होते हैं। असल में ये भी है ना कि मुख्तलिफ बैच है, मेरा ग्रुप भी व्हाट्सएप पे डिफरेंट है, शायद वो किसी एक में भेज दिया हो बाकी में ना भेजा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये देखे ना आज लाइव स्ट्रीम है तो रिकॉर्डिंग मैंने भेज भी दी है, इधर हो जाए ना लाइव तो हम तो रिस्क लेते ही नहीं है, डाटा फौरन आ जाता है। 40 सेकंड की अच्छी बात है ना, वो तो सर पड़ेगा। सर नेक्स्ट वीक क्या पढ़ने? राउटिंग पढ़ेंगे या रिडक्स पढ़ लेंगे, ये तो नेक्स्ट। सर वो क्वेश्चन वाला सेशन बोला था एक, वो भी रखना था। कौन सा वाला? क्वेश्चनिंग के लिए सर, नेक्स्ट वीक ही होगा सर जी। वैसे कल मेरा प्रॉब्लम, कल नहीं आज ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसको अटेंड करें, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर लें। 4 बजे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा सर, उसका लिंक शेयर होगा, भेज दिया होना ग्रुप में, वो पहले ही भेज देते हैं। वैसे 1 सितंबर में होगा, आउटलाइन अप्रूव नहीं, तो मैंने आउटलाइन करवा दिया, पहले डेवऑप्स हमने लॉन्च किया है, फायदा आगे Web 3.0 भी काम होने, आगे ब्लॉकचेन भी काम होगा, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपकी वेब तो अच्छी होनी चाहिए ना, पहले इसी दुनिया से मुड़ के उधर जाना है, पहले ये सेट होंगे तो आप उधर जा सकेंगे। वो कौन सा नई दुनिया भी, वेब को ही मॉडर्नाइज कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, आई नहीं लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है ना, उसके मॉड्यूल चल रहे हैं। तो यार NFT मार्केट प्लेस नहीं चल रही, डिजिटल करेंसियाँ नहीं चल रही, तो ये उसी का हिस्सा है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चल नहीं रहे, और पूरी दुनिया की सप्लाई मैनेजमेंट जो कंपनियाँ हैं वो सारे उन्होंने ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट किया हुआ है,
यार वो थोड़ा कि मेटावर्स पूरी की पूरी आज ही छाया हो जाएगी, हमें डूब होते हैं जब एआई आएगी तो उसके छोटी छोटी चीजें आने स्टार्ट होगी, इसी तरह आप उसके मॉड्यूल आ रहे हैं। बिटकॉइन क्या करें तो इनके वो डिपेंड करता है उसकी लैंग्वेज और एक्सपीरियंस पे। वैसे देखना है कि बंदे का 6 महीने का एक्सपीरियंस उसका सिनेरियो अलग है, एक का 20 साल का उसका सिनेरियो अलग, एक ने पीएचपी सीखी अलग सिनेरियो है। ओवरऑल जो 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ है जिसका वो 150 के प्लस होती है रिएक्ट के साथ, अगर 2 ईयर गया तो 2 लाख से ज़्यादा होती है फ्रंट एंड की कह रहा हूँ, फुल स्टैक फ्रंट एंड रिएक्ट के साथ। लेकिन फ्रंट एंड में बुलाता है आपको फ्रंट एंड सही लेवल का आता हो, खाली ये नहीं कि 2-4 बटन लगा लिए, आपको मॉडर्न लाइब्रेरीज आती हूँ, आपको आगे पीछे प्लानिंग का पता हो, आप प्रॉपर किसी हेल्प के बगैर एक प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर होंगे। मेरे स्टूडेंट हैं वो तकरीबन 2-2 लाख ले रहे हैं, जो साल पढ़े तो पहले साल पिछले जो पिछले 2022 में पढ़ते रहे हैं तकरीबन इस बाइक में उनकी सैलरी रही पौने 2 लाख 2 लाख 2 लाख इस वक्त तकरीबन इनकी इतनी सैलरी है जो उस वक्त से काम करते आ रहे हैं। तो फ्रंट एंड ही रिएक्ट के अलावा आपका थीम जरूरी है, आपको टेलमेंट जरूरी है, और रिएक्ट के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। खाली मतलब हमने तो यू स्टेट के मैंने देखा 3-4 एग्जांपल कराई, यू स्टेट पे 3 महीने लग सकते हैं, इसको कितने पॉसिबल वे से आप यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स बनाए अपने खुद बना बना के ना रखें, और उस पर डिफरेंट 4-5 प्रोजेक्ट्स बनाए, 6 बनाए, हर महीने को 2-3 प्रोजेक्ट आप अपने तौर पर बनाया करें। खुद नेट से आइडियाज मिल जाते हैं, इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इन डिमांड है, वैसे ही मिल जाते हैं। उसका फायदा कोई नहीं, प्रोजेक्ट अपने हाथ से बनाए, प्रोजेक्ट अपने हाथ से बनाए, बच्चे थोड़े छोटे बना रहे हैं। तो यूट्यूब का देखेंगे ना वो समझ नहीं आती, हर बंदे की लॉजिक अपनी है, आपकी अपनी कोडिंग रीट्रैक हो जाए। लेकिन अरसलान साहब का पढ़ाने का तरीका और है, ठीक है, आल दो वो मेरे साथ लैब में रहा, मेरे साथ जब हमारे बूट कैंप चलते थे तो मेरा लैब ट्रेनर था वो, और उसके अलावा सलीम साहब भी हैं, ठीक है, वो भी टीचर। टीचर हर बंदे का ना अपना तरीकाकार है, एक तो ये चीज़ें वक्त के साथ डेवलप होती हैं, और दूसरा ऑडियंस को समझ के लेके चलना ये भी एक आर्ट होता है। और हो सकता है मुझसे सीनियर भी लोग हैं, हम बूट कैंप पढ़ाता रहा हूँ, मैं लीड ट्रेनर रहा हूँ, ये तो मेरे साथ दोनों थे, सलीम साहब भी थे, ये भी था असलान भी। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी कोडिंग ना डेली, जितनी भी मैंने लाइफ में कोडिंग करनी है ना, नया प्रोजेक्ट NPX क्रिएट है, रिएक्ट ऐप या बैक एंड, टोटल लाइव कोडिंग करनी है, नो गूगल, नो ChatGPT, नो नोट्स, नो कोई चीज़ नहीं। प्रॉब्लम आनी प्रॉब्लम कोशिश कर कर आगे उसको सॉल्व करते हैं। आपके भी बेसिक कोडिंग ठीक है, जब बेसिक ठीक हो जाती है ना तो एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने में मसला नहीं आता। यानी आपको ये पता होगा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस लेवल तक हम उसको यूज कर सकते हैं, तो आपको नया कोई फंक्शन और भी आ रहे हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं। देखें ये आपने कभी स्प्रेड ऑपरेटर पे कभी गौर नहीं किया, अलग फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, ये अलग NN कह रही थी, वो कंफ्यूज थी कि अगर एक अनडिफाइंड नंबर है तो आपको फौरन जवाब अलग ऐसे क्लिक होना चाहिए कि यार एक डाटा ही नहीं है, तो उसको हाँ एक अनडिफाइंड और एक डाटा दिया तो NN उसका आना, जब आप मैथड से ऑपरेट, ये नहीं आपको लिखते ही समझ आनी, तो जैसे आप सोच पता करने पढ़ाया था, यानी फिर प्रैक्टिस की कमी है, आप प्रैक्टिस की कमी है।